अभी हम खड़े रेड आउल गेमिंग हाउस के सामने जो कि है गुड़गांव इंडिया में। यहाँ पे हम पता करने आए हैं कि रेड आउल ने अपने गेमिंग कंटेंट क्रिएटर्स एंड ई स्पोर्ट्स प्लेयर को क्या क्या फैसिलिटी प्रोवाइड कर रखी है। तो बिना किसी देरी के चलो अंदर चलते हैं। हेलो देयर, कम इन, वेलकम टू द हाउस नेस्ट। घर में एंटर करते ही सबसे पहले जगह आती है ये। या सीम्स लाइक ए गुड प्लेस टू सिट एंड मेक देमसेल्फ कंफर्टेबल। एग्जैक्टली, ये है रेड आउल का वेटिंग हॉल, जहाँ पे कोई भी गेस्ट अगर किसी मेंबर से मिलने आया है, दे कैन मेक देमसेल्फ फील कंफर्टेबल एंड गो डाउन द मेमोरी लेन। वेटिंग हॉल के बाद बारी आती है मैनेजमेंट रूम की। फॉर एवरी सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन देयर हैज टू बी अ गुड मैनेजमेंट, एंड रेड आउल मेक श्योर करता है कि उसके ई स्पोर्ट्स प्लेयर्स एंड कंटेंट क्रिएटर्स को सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड हो जिनकी उनको जरूरत है। जस्ट टू मेक श्योर दैट वी हैव आवर वेरी ओन गेमिंग हाउस मैनेजर अविनाश भाई, AKA रेड आउल बैरन। लगता है वो अभी काम में बिजी है, तो हमें यहाँ से एग्जिट लेनी चाहिए। गेमिंग हाउस में सभी मेंबर्स किसी ना किसी दूसरी सिटी से आए हैं, तो जस्ट टू मेक श्योर दे फील लाइक एट होम, वी हैव आवर वेरी ओन किचन जहाँ पे उनको घर जैसा खाना देने की कोशिश की जाती है। वी हैव आवर ओन कुक 24/7 अवेलेबल एंड ए हेल्पर, ताकि किसी भी प्लेयर को किसी भी तरह की दिक्कत ना हो। यहाँ पे वैसे भी गेमिंग हाउस है, तो लोग रात रात भर बैठ के काम करते रहते हैं, यू नो दे डू वॉट एवर दे वॉन्ट, तो उनको भूख ना लगे, दे डोंट फील हंग्री, लो ऑन एनर्जी। वी ऑलवेज हैव आवर स्टफ प्रोवाइडेड टू देम, और बाकी ये दोनों भाई साहब तो है ही, तो अगर किसी को कुछ भी चाहिए होता है कभी भी, ऑन डिमांड उनकी टेबल पे सर्व रहता है। फैमिली दैट ईट्स टुगेदर स्टेज टुगेदर। नेक्स्ट इज द डाइनिंग हॉल। वी लिव इन ए प्लेस फिल्ड विद क्रिएटिव माइंड्स, तो कभी कभी मेंटल प्रेशर बहुत ज़्यादा हो जाता है। दिमाग हमेशा ठंडा और शांत रहे, इसके लिए वी हैव अवर ओन लिविंग स्पेस, द लिविंग हॉल। यहाँ पे सोफा पे बैठ के आप या तो PS4 खेल सकते हो या तो टेलीविजन पे अपना फेवरेट शो देख सकते हो। अगर दोनों ही नहीं करना तो आप बाकी के मेंबर्स के साथ बैठ के चिल भी कर सकते हो। लिविंग स्पेस के बाद बारी आती है लॉन एंड द पूल एरिया। ये रेड आउल का ओपन ग्राउंड, जहाँ पे आप कुछ एक्टिविटीज कर सकते हो। अगर आउटडोर एक्टिविटीज करनी, यू कैन प्ले लिटिल फुटबॉल या थोड़ा बहुत क्रिकेट। हाँ, बॉल बाहर जाने का डर है, बट एक्चुअली प्लेयर्स है ना कभी बाहर आते ही नहीं है, क्योंकि वो अपने गेम में इतने ज़्यादा बिजी रहते हैं। यू कैन लुक अराउंड, दिस इज एक्चुअली द बेस्ट पार्ट फॉर कंटेंट क्रिएटर्स, क्योंकि ज़्यादातर टाइम यू नो कंटेंट क्रिएटर्स का चिल में जाता है। यू कैन जस्ट चिल ओवर हियर मैन।
व्हाट कम नेक्स्ट उसको पता करने के लिए हमें वापस अंदर जाना पड़ेगा. सो वी आर गोइंग बैक टू द लिविंग हॉल. सो नेक्स्ट एरिया इज द पूल टेबल. जरूरी नहीं है हमेशा अपने आप को स्क्रीन के सामने रखना. टेलीविजन, पीसी, फोन, कभी कभी उनको भी साइड में हटा के यू नो यू शुड ऑलवेज एंजॉय अ पूल टेबल अगर आपके घर में हो तो. प्राइवेसी भी एक पॉइंट होता है नहीं. सो वी हैव अवर बाथरूम्स विद जकूज़ी एंड बाथटब्स. सो वेल वी आर बैक एट दिस प्लेस अगेन. आप लोगों को मालूम है ये जगह कौन सी है. एनीवे बट अब हमें सीधा नहीं जाना है. वी आर गोइंग अपस्टेयर्स जहाँ पे हम आपको दिखाएंगे कि एक्चुअली क्रिएटर्स एंड प्लेयर्स रहते कैसे. सो बेसिकली दिस इज वन ऑफ द कंटेंट क्रिएटर्स रूम. आप देख सकते हैं कि सेपरेट स्ट्रिंग सेटअप भी प्रोवाइड कर रखा है क्योंकि एक्चुअली रहता है कि कंटेंट क्रिएटर्स को थोड़ा अपना मी स्पेस चाहिए होता है. यू नो दे कांट जस्ट स्टे अराउंड विद अदर्स एंड स्ट्रीम. उनका एक अलग वाइब होता है. तो जस्ट टू नॉट रूइन देयर वाइब्स हमने सबके रूम्स में पर्सनल सेटअप्स लगा रखे ताकि वो बिना डिस्टर्ब होकर स्ट्रीम कर सके. एंड यू नो एवरी रूम हैज अ अटैच्ड वॉशरूम विच यू कैन सी. तो प्राइवेसी भी इससे डिस्टर्ब नहीं होती. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट रूम विच इज गोना बी द ई स्पोर्ट्स प्लेयर्स रूम क्योंकि हमारे BGMI की लाइनअप है उनका रूम. आप देख सकते हो कि बंक बेड्स है. उसका सिर्फ और सिर्फ सोल रीजन यही है कि वी वांट द होल टीम टू स्टिक टुगेदर एंड स्टे टुगेदर ताकि उनका सिनर्जी बनता रहे. इसलिए यहाँ पे बंक बेड्स प्रोवाइड कर रखे ताकि इसी रूम में चार लोग रह सके. एंड यू कैन सी देयर इज नो सेटअप राइट नाउ बिकॉज उनका सेटअप पर्सनली उनको प्रोवाइड रखा है एक रूम के अंदर जहाँ पे पूरी की पूरी टीम बैठ के स्ट्रीम कर सके. दे कैन टॉक, दे कैन स्ट्रेटेजाइज देयर प्लान्स. तो ये तो हो गया ई-स्पोर्ट्स प्लेयर का रूम. बाकी के सारे रूम भी सिमिलर है. बस एक रूम और आपको शायद दिखाने का होगा क्योंकि ये थोड़ा अलग रूम है. ये छोटा रूम है स्पेस के मामले में. एंड दिस इज एक्चुअली माई रूम. मैंने डिमांड किया था कि यू नो आई नीड ए वेरी स्मॉल प्लेस ऑफ माइन जहाँ पे मैं अपना खुद का मी टाइम एंड ऑल्सो आई कैन स्ट्रीम अलोन विथ पीस ताकि मैं अपना स्ट्रीम में विदाउट डिस्टर्बेंस जो क्वालिटी प्रोवाइड करता हूँ ऑडियंस को वो करता रहो. सो दिस इज बेसिकली माई रूम. तो इसी के साथ ऑलमोस्ट सारे रूम्स कंप्लीट हो गए. एक ये रूम और एक ये रूम बचा है. इट्स काइंड ऑफ ऑल द सिमिलर बट हाँ टॉप फ्लोर पे एक जगह और बची जो आप लोगों को दिखानी बाकी है. लेट्स गो. वेल योर प्लेयर्स एंड कंटेंट क्रिएटर रियली नीड्स अ पीस ऑफ माइंड. सो दिस इज अ प्लेस टू चिल रिलैक्स. आप यहाँ पे अपना स्पीकर लगा के यू कैन जस्ट रिलैक्स एंड वॉच द व्यू. तो इसी के साथ टॉप फ्लोर भी कंप्लीट होता है. अब पूरे गेमिंग हाउस में सिर्फ एक जगह बची है जो दिखानी बाकी है एंड वो बहुत ही ज़्यादा जरूरी जगह है. दैट इज द सेंटर ऑफ अट्रैक्शन फॉर दिस गेमिंग हाउस. फॉर दैट वी हैव टू गो ऑल द वे डाउनस्टेयर्स. अब बात कर लेते हैं हमारी लास्ट एंड फाइनल प्लेस गेमिंग हाउस की जो कि हमारा सबसे मेन डेकोरेटेड एरिया द गेमिंग हॉल. एंड रेड आउट भी फोकस कि कोई भी ई-स्पोर्ट्स प्लेयर की सिर्फ गेम में नहीं बल्कि सोशली भी ग्रोथ हो. सो वी हैव प्रोवाइडेड देम विद द बेस्ट स्ट्रीमिंग सेटअप्स ताकि वो यूट्यूब पे अपनी स्ट्रीम कर सके अपना पीओवी ऑडियंस को दिखा सके. यू नो दे कैन ऑल्सो ग्रो टुगेदर एज अ टीम. इन केस यू गाइस आर वंडरिंग कि यहाँ पे गेमिंग हाउस में नेट की स्पीड क्या रहती है. सो लेट मी जस्ट गिव यू गाइस अ ब्रीफ शोकेस. So as you can see, we don't want कि हमारे प्लेयर्स को किसी भी तरह की प्रॉब्लम होए. तो इसी के साथ मैं हस्तर लेता हूँ आप लोगों से अलविदा एंड रेस्ट यू कैन enjoy the view.